अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं अस्मा गुल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। लाहौर के एक निजी हॉल में इंटरनेशनल ब्यूटी गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें लड़कियों और लड़कों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें हसीनाओं ने रैप पे जलवे बिखेरे। सहाफत के शोबे से ताल्लुक रखने वाली हाजरा फराह शेख ने भी शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर फ्लैटिस होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे लड़कियों की खूबसूरती को और मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टोन्स का भी इनेकाद किया गया है और बहुत बड़ा फैशन शो है। इसी मौके पे मेरे साथ हिरा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि जो न्यू फेसेस को मॉडलिंग में प्रमोट करने का जो सिस्टम है वो अच्छा है या बिल्कुल नहीं अच्छा, इसका ओपिनियन कैसा है। और दूसरी बात ये, हम इनसे ये जानेंगे कि लड़कियों को खूबसूरत दिखना है तो खूबसूरती दिखने के लिए इन्हें कॉस्मेटिक्स की कितनी ज़रूरत है। जी हिरा, मुझे आप ये बताइए कि ये जो न्यू ओपिनियन है इनका प्रमोट करने का, ये आपको कैसा लगा? जी मेरा तो ख्याल है कि ये जो इन्होंने प्रमोट किया है सब कंपनियों ने मिलके, जैसे सभी हैं यहाँ पे गोल्डन पर सारे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर चेहरे का, हर लड़की का दिल होता है कि वो खूबसूरत दिखे और उसकी खूबसूरती को प्रमोट किया जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सुबह से आए हुए और बिल्कुल का अंदाजा नहीं। तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से परचेज की? मैंने बहुत सारी कंपनियों से बहुत सारे प्रोडक्ट लिए हैं, जैसे कि गोल्डन पर से, फिर जो है गोल्डन पर के ब्रांड बहुत अच्छे हैं, मैंने घर में भी यूज़ किए हुए और आज यहाँ पे देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे कॉस्मेटिक को, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके खूबसूरती का राज भी। जी जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं। नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, खासतौर पर लड़कियों को तो बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खूबसूरती के पीछे इन सब चीज़ों का भी हाथ होता है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। जी मैंने ये इवेंट बहुत अच्छा पाया। मैं हाजरा फराह शेख आपसे बात कर रही हूँ और एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिक क्लासेस के हवाले से जितना हमारी आवाम ने और लोगों में और ख़ास तौर पे ख़वातीन में नॉलेज बिल्ट होता है, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। और आप मुझे ये भी बता दें कि इस तरह के इवेंट्स के लाहौर में होने चाहिए एक या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए लाहौर में, इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में भी मैंने ये इवेंट्स अटेंड किए हैं, लेकिन लाहौर की जो है हमारी गैदरिंग वो बहुत ज़बरदस्त होती है, मज़ा आता है इन लोगों में हमें ये इवेंट्स अटेंड करने का। ये जो हारिस भाई मेहंदी लगा रहे हैं, ये उनसे आपने कितनी बारी लगवाई है और इनका वर्क कब है? पहली दफ़ा मैं इनसे मेहंदी लगवा रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं लगवाई, लेकिन माशाल्लाह इनका वर्क बहुत अच्छा है। मैंने ख़वातीन को देखा है जो कि इनसे मेहंदी पहले लगवा के गई हैं, और इनका वर्क देखते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे मेहंदी लगवाऊँ, और आज मैं इनसे मेहंदी लगवा रही हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।